एक शहर में एक लकड़हारा रहे, यानी कि लकड़ी बिचैया। वो हर रोज लकड़ी बर जंगल जावे, लकड़ी काट के लावे और गांव शहर में बेच के अपन गुजारा करे, नून तिल चलावे। एक दिन वहाँ लकड़ी काटे गए रहे भैया, नदिया के तीर एक ठी पेड़ में चढ़ के लकड़ी ला काटत रहे कि ओकर हाथ ले टंगिया हा छूट गए और पानी में गिर गए। वो हरोए लागिस कि अब कामा लकड़ी काटियाँ और अपन परिवार के गुजर कैसे चलाऊँ। ओकर रोवाई ले देख के जल के देवता प्रकट हो गए और कथे, मत रो मत रो, ए ले तुरो टंगली ला ले ले लाए हों। लकड़हारा ओकला देखिस तब वो देवता है ओला एक ठी पीतल के टंगिया का देत रहे और कहा थे कि ए ले तोर टंगली ला। तब लकड़हारा कहते ए हमोर नो है। तब फिर अरुण देव वाला चांदी के टंगिया ला दिखा के कहते ता ए हरे, तो कहते नो है। तहाँ ले वरुण वाला सोन के टंगिया ला दिखा के कहते ता ए हरे, तो कहते लकड़हारा है एहू है नो है। तब अरुण देव वाला ओकरे से टंगे ला दिखा के कहीस ता ए हरेगा, तो कहते हाँ आई हरे। ता वरुण देव लकड़हारा के ईमानदारी ला देख के खुश हो जाते और कथे जा तोरी ईमानदारी ला देख के मैं बहुत खुश हूँ, सब टंगिया ला ले जा। अब लकड़हारा सोन चांदी के टंगिया पाइस तब मालामाल हो गए, धनवान हो गए भैया। लकड़हारा के बात ला एक झन लोभी जानत रहे, वो है सोचते महू है लकड़ी काटे जाहूँ तो ऐसने माला माल हो जाऊँ। ओहू है लकड़ी काटे गईस और जान बूझ के अपन टंगिया ला पानी में गिरा दीस। वरुण देव प्रकट होते और वैसने चांदी के सोन के दुनिया भर के टंगिया दिखाते, सबका मोरेचे कथे। अंत में वरुण देव कथे सब हतोर कैसे हो ही एक ठिहर हो ही, कथे कि तय झूठ बोला थस और झूठ के मैं संगी नो हूँ। ऐसे कह के वरुण देव गायब हो गए भैया और लोभिया रोवत घर आ गए। ता झूठ और ईमानदारी के परिणाम का होते ये कहानी माँ ये किस्सा माँ यही बताए गए हैं भैया। दार भर चूर गे मोर किस्सा पूर गी। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।